आपस की लड़ाई में तीसरे को चाकुओं से गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया। मामला कानपुर का है, जहां 32 वर्षीय मृतक संजय की भाभी के पत्थर लगने से संजय ने किया था विरोध। विरोध करने पर दबंगों ने संजय को घर में घुसकर चाकुओं से उसका गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया। पहले लाठी डंडों से मारा और फिर गला रेत कर घर के अंदर से फरार हो गए। वहीं घर के अंदर खून ही खून फैला रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि विशाल नाम के युवक ने चाकू से उसका गला रेता था। सभी आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि सभी दबंग गोविंद नगर कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं। तो वहीं पूरा मामला भाटिया वन का है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। रोल है, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राधा है, मैं संजय की भाभी हूँ। अभी कैसे क्या घटना हुई थोड़ा सर? बिना फालतू में वो आपस में कोई दूसरे यहाँ लड़ाई हो रही थी। एक लड़का आया विशाल, वो आके उनको गुम्मा मारने लगा। सर हम भी खड़े थे तो मेरे सर मुंह में भी लग गया। यहाँ पे सर मेरे देवर लोग आए, बोले समझाने लगे पिए खाए तो बेटा घर जाओ। किसी ने यहाँ सामने से एक गुम्मा उनको मारा तो बस सर इतने में वो जो लड़के ने गुम्मा मेरे यहाँ पे मारा था वो 5-6 भाई थे, वो डंडा लेके आए और मेरे सर देवर के सर में 4-5 डंडा मारा और एक भाई छुरी छुपाया था, 4-5 छुरी उनके पेट में मारा और गले में मारा। उनको हालत लेके गए, बता रहे उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। पुलिस आई मौके पे? सर पुलिस आई है, उनको ढूंढ रही है। कोई विवाद था पुराना? कोई सर कोई विवाद नहीं था, ऐसे छोटा मोटा झगड़ा था। वो लड़का सिर्फ नशे में था विशाल, बाकी उसके भाई कोई नशे में नहीं थे। संजय जिसकी उम्र 35 साल है, पिता का नाम स्वर्गीय हीरा लाल है, ये कच्ची बस्ती गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये अभी तक ये जांच में ये पता चला है कि आपस में एक दूसरे घर में एक बाप बेटे लड़ रहे थे और एक नशे की हालत में एक विशाल नाम का लड़का जा रहा था, उसने ईटा पत्थर जो है जो लड़ रहे थे नंदू और राहुल लड़ रहे थे उनके ऊपर ईटा का कुछ मारा। वो इसमें एक ईटा एक राधा नाम की महिला को लग गया, तो उस राधा ने जो है कहा कि भाई कैसे देख कैसे मारपीट कर रहे हो। इस बात को लेकर उसका देवर भी सामने आ गया और उसने मतलब मना किया कि भाई देखो जो है इस बात को लेके आपस में उसके भाई दो भाई इसके विशाल के दो भाई और एक चाचा ये सब मिलके उसको पहले डंडे से मारे और उसके बाद शायद चाकुओं से भी हमला किया। जहाँ अस्पताल इसको लेके गया जाया गया वहाँ कुछ उपचार हुआ, उसके बाद शायद उसकी मृत्यु हो गई। ये उनसे जैसे ही तहरीर मिल जाएगी आवश्यक कार्रवाई जो टीम जो है इनके अभी घर बंद है, दबिश के लिए टीम लगा दी गई है, शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी होगी। इसी की अभी गिरफ्तारी हुई, अभी तत्काल आप मौके पर हैं, मौके पर हम लोग भी आए हैं क्योंकि सबका ताला बंद है, उनको जो है ट्रेस किया जा रहा है, टीमें हमारी रवाना है, शीघ्र ही गिरफ्तारी। क्या अभी डेथ की कोई पुष्टि हुई है? ये जो है ये आपके माध्यम से और वहाँ पे जो है सूचना जो है अभी मैंने भेजा है, हमारे यहाँ से टीम गई है पूरी, लेकिन ये पता चल रहा है कि शायद उसकी डेथ हो गई। बिना फालतू की लड़ाई सर मेरे यहाँ पे गुम्मा लगा था। लड़के आपस में रहते? आपस में नहीं लड़ रहे सर, वो अलग घर में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन वो बीच में पता नहीं रोड से कैसे आया उसने बिना फालतू का गुम्मा चलाया तो वो सर गुम्मा मेरे लग गया। इतने में मेरे देवर लोग बोलने लगे तो पीछे से लाल लाठी गुम्मा चला रही। ये आज करीब रात में 10:30 बजे गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कच्ची बस्ती स्थित दो व्यक्ति नंदन और विशाल आपस में जो है किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे, तो जिसमें विशाल ने जो है एक ईंटा उठा के जब उसको मारा तो वो एक पड़ोस में रहने वाली एक महिला उस राधा पत्नी संतोष को लग गया। इस पे जब उसके देवर संजय सवारिया ने विरोध करा तो विशाल उससे विवाद करने लगा और फिर अपने कुछ साथियों को बुलाकर वहाँ पर लाठी ईंट पत्थर से और चाकू से उसको घायल कर दिया, जिस पे संजय के परिजनों द्वारा उसको जो है अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जो है तत्काल मौके पर पहुंच के जो है जांच शुरू कर दी गई है, तहरीर प्राप्त होने पे अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी और टीमें रवाना करी जा चुकी हैं जिसमें कि जिन लोगों का नाम सामने आया है विशाल सहित
उनको तत्काल गिरफ्तार करके विधिक कार्य की जाएगी। अभी प्रयास चल रहा है और शीघ्र आज कुछ ना कुछ हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। नहीं, इससे पूर्व कोई घटना की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। ये एट रैंडम ही जो है दो अन्य लोगों के बीच विवाद हो रहा था और उसमें जो है राधा को जब ईटा लग गया तो उसके क्रम में ही जो है ये पूरी घटनाक्रम आगे हुआ है। जो जानकारी आई है कि विशाल और उसके साथी नशे में थे और उसी में ही उसी स्थिति में उन्होंने ये घटना कारित करी है।